स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय थर्ड वीडियो ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बहुत से स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आ रही थी मुझे, सर रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ाइए, रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ाइए। इसलिए मैंने आज जो है एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था, रेडॉक्स रिएक्शन। दो वीडियोज बन चुके हैं, अभी ये थर्ड वीडियो है। आज हमारा वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाला हूँ रेडॉक्स रिएक्शन के। इसके पहले का वीडियो आप जाके देखिए, मैंने ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स बताया था। आज मैं उन रूल्स का यूज़ कैसे करना चाहिए और कुछ एक्सेप्शनल केसेस को आपको कैसे सॉल्व करना है वो भी डिस्कस करूँगा। और आज हम जो है कुछ एग्जांपल्स लेंगे कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। अगर मुझे ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करूँगा, इसके ऊपर मैं आज आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाला हूँ। ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है बेटा मुझे। अब ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या दिया जाता, एक आधा मॉलिक्यूल या कंपाउंड दिया जाता या आयन दिया जाता, और इस आयन में आपको पर्टिकुलर एलिमेंट को अंडरलाइन किया जाता और बोला जाता डैश इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल और कंपाउंड। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा, आपको वेराइटी ऑफ कंपाउंड या मॉलिक्यूल दिए जाते हैं और उसमें पर्टिकुलर एलिमेंट को ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट आपको बताना पड़ता, ये एक क्वेश्चन हो गया। तीसरा बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है कि आपको कुछ जो एक्सेप्शनल मॉलिक्यूल्स हैं उन एक्सेप्शनल मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करना है, तो वहाँ पर आपको रूल्स से के अलावा कुछ आपके बुक्स में एग्जाम्पल्स हैं, वो एग्जाम्पल को आपको सॉल्व करना है। तो अभी हम बिल्कुल सिंपल वे में जा रहे हैं, इसलिए मैं भी आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता। मैं कुछ सिंपल से एग्जांपल्स ले रहा हूँ, बाद में एक्सेप्शनल केसेस के भी एग्जांपल लूँगा। सबसे पहला क्वेश्चन बना रहे हैं हम, देखो, कैलकुलेट दी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइन एलिमेंट। तो अब हम ऑक्सीडेशन नंबर के लिए मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, बहुत ही ऑर्डिनरी एग्जांपल है, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइन एलिमेंट। तो यहाँ पर मैं KMnO4, इसका नाम क्या है बेटा, पोटेशियम परमैंगनेट, तो मैग्नीज को मैंने अंडरलाइन किया, इसका मुझे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। अब अगर मुझे इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का है तो मुझे प्रीवियस रूल्स मालूम होना चाहिए, नंबर वन। दूसरा, मुझे मालूम होना चाहिए कि एलिमेंट कौन से ग्रुप या कौन से पीरियड को बिलोंग करता है। तो सबसे पहले याद रखेंगे यहाँ पर, जिसका मालूम करने का ऑक्सीडेशन नंबर है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम एक्स ले लेंगे। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीज टेकन एज अ एक्स। अब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम, अब आपको पोटेशियम के बारे में मालूम है कि पोटेशियम ये फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, अल्कली मेटल का, और हमने ऑलरेडी रूल्स में पढ़ा था कि अल्कली मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर ये प्लस वन होता है, तो यहाँ पर प्लस वन लूँगा मैं। ओके, प्लस वन क्यों लिया, क्योंकि ये फर्स्ट ग्रुप का अल्कली मेटल का एलिमेंट है पोटेशियम, और सभी अल्कली मेटल का कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर प्लस वन होता है। उसके बाद में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अगर परऑक्साइड कंडीशन में नहीं है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा माइनस टू लेंगे। तो अब हम, हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल को एक बार हम फिर से लिखते हैं KMnO4। अब इसको मुझे कैसा लिखना है बेटा, रूल में कहता है कि कंपाउंड या मॉलिक्यूल का समेशन ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर टेकन इक्वल टू जीरो। तो मैं क्या करूँगा, K यानी पोटेशियम प्लस मैग्नीज प्लस ऑक्सीजन चार है, तो 4 × O समेशन ऑफ ऑल चार्जेस टेकन इक्वल टू जीरो, क्योंकि यहाँ भी O है, आप जीरो ना समझे करके मैं वर्ड्स में लिख रहा हूँ, समेशन ऑफ ऑल चार्जेस टेकन इक्वल टू जीरो। अब पोटेशियम का आपको मालूम है कि मैंने प्लस वन लिया है, ओके, मैग्नीज का नहीं पता है आपको निकालना है तो एक्स मान लिया, ऑक्सीजन का कितना लेना चाहिए बेटा माइनस टू, ओके, ऑल चार्जेस इन अ कंपाउंड और मॉलिक्यूल इक्वल टू जीरो। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, प्लस वन माइनस एट प्लस सेवन हो गया यहाँ पर। तो एक्स यानी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीज, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीज
ये आपको आ गया है इक्वल टू प्लस 7। तो इस तरीके से आप ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल टू अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे। अब यहाँ पर मुझे ऑक्सीडेशन नंबर उस एलिमेंट का कैलकुलेट करना है जो अंडरलाइन है, तो मैं थोड़ा सा इसको करने की कोशिश करता हूँ। K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट है ये, इसमें मुझे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। अब यहाँ पर अगेन मैं लिखूँगा, और जिसका निकालने का है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम Cr इज इक्वल टू ले लूँगा X। ओके, पोटेशियम का अभी थोड़ी देर पहले आपने लिखा है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम यानी कि अल्कली मेटल्स का हमेशा रूल के हिसाब से +1 लेना चाहिए, और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन यह हमेशा -2 लेना चाहिए। ओके, तो अभी मेरे पास फॉर्मूला है K2Cr2O7। ओके, तो अभी मैंने 2 × K ले लिया पोटेशियम के लिए, 2 × Cr लिया क्रोमियम के लिए, प्लस 7 × O ले लिया ऑक्सीजन के लिए, और ये एक मॉलिक्यूल है इसलिए समेशन ऑफ ऑल चार्जेस टेकन इक्वल टू 0। समेशन ऑफ ऑल चार्जेस टेकन इक्वल टू 0। तो 2 × क्या लेना चाहिए बेटा, पोटेशियम का +1। ओके, क्रोमियम का नहीं बताया तो आपने लिया 2x प्लस 7 × −2, टोटल चार्जेस टेकन इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू +12। ओके, मैंने इसको सॉल्व किया, -14 + 2 यानी -12 उधर जाकर +12 हो गया, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया बोलिए आप, 12/2 यानी देयरफॉर x इक्वल टू आ गया +6। राइट, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +6 लिया है। ओके, इसी तरीके से हम यहाँ पर कार्बोनेट आयंस लिया मैंने, और कार्बोनेट आयन में मैंने कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का है, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन क्या हो गया जिसका कैलकुलेट करने का है, फिर से मैंने लिया x। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन बहुत बार रिपीट हो गया, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, अगेन आई एम राइटिंग -2। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बोलिए, C+3 × O, और समेशन ऑफ ऑल चार्जेस ऑन आयन इक्वल टू इट्स चार्ज, यानी ये -2, क्योंकि ये मॉलिक्यूल नहीं है, ये आयन है, इसके हेड के ऊपर -2 चार्ज है, इसलिए इक्वल टू -2 लेना है। अगर मॉलिक्यूल होता तो 0, और अगर आयन है तो -2। ओके, तो इसका मेरे पास x आ गया, इसके पास 3 × −2 हो गया इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, -2 + 6 मीन्स x इज इक्वल टू हो गया +4, यानी कार्बोनेट आयन में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +4। तो इस तरीके से हमको किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं, बहुत मुश्किल बात नहीं है। अभी मैं थोड़ा सा आपको इसी पैटर्न का एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ, आप जो जो मेरे क्वेश्चंस होते हैं उसका स्क्रीनशॉट लेकर बारीकी से चेक कीजिए, अगर डाउट जाता है तो कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर मुझे बताइए। अभी मैं आपको यहाँ पर कुछ और एग्जांपल दे रहा हूँ, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन फॉलोइंग, ये जो दिया हुआ है इसमें ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन का आपको पूछ रहा है वो क्या होगा। अब मैंने यहाँ पर दे दिया NO2 + NO2-, ओके, अगेन आई एम राइटिंग NO3-, ओके, एंड NO। अब देखिए ये सेट ऑफ अंडरलाइन नाइट्रोजन का हर जगह कैलकुलेट करना है, आपने पढ़ा होगा नाइट्रोजन का हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर नहीं था, इसीलिए अब हम यहाँ पर हर नाइट्रोजन का कंसीडर कर सकते हैं डायरेक्टली। यहाँ पर कितना ले लिया आपने, x प्लस ऑक्सीजन का 2 × −2 टोटल चार्ज देकर है +1 यानी 1, तो आप देखो यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या आ गया, -4 उधर जाकर हो गया +4 यानी +5। नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है ऑक्सीजन से,
इसलिए ऑक्सीजन से जब जुड़ता है नाइट्रोजन तो उसका प्लस हो जा रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अब नाइट्राइड आयंस निगेटिव फॉर्म में अगेन मैंने लिखा एक्स, ओके, प्लस टू इंटू बोलिए, यहाँ पर भी आ गया माइनस टू इज इक्वल टू आया माइनस वन। अब यहाँ क्या हो गया, उधर जाकर हो गया प्लस फोर, प्लस फोर में से माइनस वन गया यानी प्लस थ्री, यानी एक्स इज इक्वल टू हो गया प्लस थ्री। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो गया बेटा। ओके, अब नाइट्रेट आयंस में देखिए आप, यहाँ पर अगेन मैंने लेना नाइट्रोजन का एक्स, ऑक्सीजन का तो आपको पता ही है थ्री इंटू माइनस टू, टोटल चार्ज गिवन माइनस वन। अब कितना हो गया, इधर जाकर हो गया वो, मतलब कितना हुआ माइनस सिक्स, उधर जाकर हो गया प्लस सिक्स, प्लस सिक्स में से एक गया तो प्लस फाइव, यानी एक्स इज इक्वल टू हो गया प्लस फाइव। ओके, यहाँ पर डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन हमको वैल्यूज जो है अलग अलग मिले। एनओ में सिंपल है, एनओ जो है एक्स है और प्लस माइनस टू इज इक्वल टू, उधर जाकर क्या हो गया एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा आपका आंसर प्लस टू। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन का अलग अलग आयोनिक स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग आया है। तो यहाँ पर आपको सेट देता है और उस सेट के हिसाब से आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है हर स्पीशीज का। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हम इसके ऊपर और भी एग्जांपल्स और क्वेश्चंस लेंगे, है ना। अब मैं कुछ एक्सेप्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट की कंडीशंस बता रहा हूँ आपको, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट या एग्जांपल दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको देखो एक मॉलिक्यूल एक्सेप्शनल ऑक्सीडेशन नंबर्स, एक्सेप्शनल्स, हम जो सोचते हैं वैसा ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आएगा बल्कि अलग ही आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पूछा है कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन क्रोमियम पेंटाऑक्साइड। अब लॉजिकल है, एक नॉर्मल स्टूडेंट ये आपके बुक में दिए हुए हैं 20-25 एग्जांपल, आप इसको रटना है। और मैं अगले वीडियोस में और भी बहुत से एग्जांपल लूँगा, उसमें आपको बहुत 101% बहुत अच्छे से बताऊँगा, लेकिन अभी आपको याद रखना है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको एक्स मान लेता हूँ, ओके, इसको एक्स मान लिया, इसको क्या माना फाई इंटू माइनस टू। जे नीट का क्वेश्चन, इट्स वेरी इजी फॉर स्टूडेंट, स्टूडेंट खुश हो जाएंगे, सर यहाँ तो बहुत ही सिंपल है, प्लस टेन आ चुका है। बट रिमेंबर व्हाट इट आई रिटर्न, इट्स अ कम्प्लीटली रॉन्ग, ये रॉन्ग है, वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। आप बोलेंगे सर ऐसे कैसे बात कर रहे हैं आप, वेरी सिंपल, क्योंकि ये जो क्रोमियम पेंटाऑक्साइड है ये एक बटरफ्लाई टाइप का स्ट्रक्चर है। क्रोमियम पेंटाऑक्साइड में आपको इस टाइप का स्ट्रक्चर है। अब अगर ये इस टाइप का स्ट्रक्चर है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आपको एक नया पैटर्न ऑफ बॉन्डिंग दिख रहा है। मैंने आपको ओ सिंगल बॉन्ड ओ का जो पैटर्न ऑफ बॉन्ड बनाया था कि ये ऐसा होता है ओ ओ, ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं ओ टू माइनस टू, ये पर ऑक्साइड है। ओके, उसी तरीके से सब ऑक्साइड सुपर ऑक्साइड भी होते हैं, बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो अब अगर मैंने बोला इसका मुझे निकालना है क्रोमियम का, तो इसका माइनस वन है, माइनस वन है क्योंकि ये पर ऑक्साइड लिंकेज है, यहाँ भी माइनस वन हुआ, यहाँ भी माइनस वन हुआ, लेकिन ये डायवेलेंट ऑक्सीजन है, पर ऑक्साइड बॉन्ड नहीं, हो गया माइनस टू। तो अभी अगर हम करेंगे तो चार पर ऑक्साइड ऑक्सीजन है और एक ऑर्डनरी ऑक्सीजन है। तो अगर मैंने ले लिया तो क्रोमियम प्लस फोर इंटू ओ यानी ऑक्सीजन, ये पर ऑक्साइड वाली बात होगी, चार पर ऑक्साइड प्लस एक ओ, क्योंकि एक मॉलिक्यूल है, टोटल चार्ज टेकन इक्वल टू बोलिए आप जीरो। तो यहाँ पर आप एक्स लेंगे प्लस फोर इंटू, यहाँ पे ले लेना माइनस वन, प्लस यहाँ लो माइनस टू, टोटल चार्ज टेकन इक्वल टू जीरो। अब बताइए मुझे कितना आ गया बेटा, फोर इंटू माइनस वन, माइनस फोर, माइनस टू, माइनस सिक्स, उधर जाकर हो गया प्लस सिक्स, मतलब एक्स इक्वल टू आया प्लस सिक्स। अब बताइए मुझे कहाँ मेरा ये आंसर और कहाँ मेरा ये आंसर। तो ये कम्प्लीटली जो है बहुत ही मतलब कंफ्यूजिंग टाइप का क्वेश्चन था, लेकिन ये आया हुआ है नीट और जी में, आप बुक देख सकते हैं। तो ये क्रोमियम जो पेंटाऑक्साइड है ये एक बटरफ्लाई स्ट्रक्चर है, इसलिए हर स्टूडेंट अपने माइंड में सेट कर लेगा कि
इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो ये जो पार्ट है बहुत ही इंटरेस्टिंग हो रहा है हमारा। अभी हम और भी कुछ एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ओके, तो आपको कुछ मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर्स और कुछ कंडीशंस याद रखना है कि यहाँ पर मतलब किस टाइप का पैटर्न ऑफ सिचुएशन है उसको आपको याद रखना है। इसी तरीके से मैं आपको थोड़ा, क्योंकि टाइम कम है, मैं न्यूमेरिकल्स लेने के बदले मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट रेडॉक्स रिएक्शन के टाइप बताता हूँ। रेडॉक्स रिएक्शन के कुछ इम्पोर्टेंट टाइप याद रखेंगे, तो रेडॉक्स रिएक्शन के कुछ टाइप्स लेंगे, फिर हम और न्यूमेरिकल्स लेंगे, डोंट वरी। टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों भी होता है, उसको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो उसमें जैसे कुछ रिएक्शंस मैं ले पा रहा हूँ अभी टाइम की कमी की वजह से, एक होती है इंटर मॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन, इसको बहुत ही सिंपली याद रखेंगे। इंटर मॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन किसे कहेंगे आप? ऐसी रिएक्शन जिस रिएक्शन में एक मॉलिक्यूल में किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है और एक में किसी का रिडक्शन हो रहा है, तो इसे आप कहेंगे इंटर मॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। मतलब एग्जांपल के तौर पर जैसे मैंने कहा Na, ठीक है, प्लस Cl गिव्स राइज टू Na प्लस Cl माइनस। मैं बहुत ही ऑर्डिनरी समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अब मान लीजिए कि यहाँ पर सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो लॉस करने का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, और क्लोरीन के एटम ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, क्लोराइड आयन बन गया, इसे मानेंगे आप रिडक्शन। तो एक रिएक्शन ऐसी हो रही है जिसमें सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है और क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है, तो ऐसे रिएक्शन को आप मानेंगे इंटर मॉलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन। उसी तरीके से एक रिएक्शन को हम बोलते हैं ऑटो रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, ऑटो रेडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं? अगर ऑटो रेडॉक्स रिएक्शन यानी एक ही स्पीशीज जो है उसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो आप ऐसे रिएक्शन को मानेंगे ऑटो रेडॉक्स रिएक्शन। अगर मान लीजिए कि किसी रिएक्शन में एक ही स्पीशीज का रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो उसको याद रखेंगे ऑटो रेडॉक्स रिएक्शन। मैं इसके एग्जांपल से आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। और इंट्रा मॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एक स्पीशीज का रिडक्शन हो रहा है और एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसको याद रखेंगे इंट्रा मॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। वैसे एक और डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी होती है, उसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टॉप हियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे जितने भी वीडियोस हैं उसको कंटिन्यू देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी हॉलीडेज है, आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन के लिए रिपीटेडली इस वीडियोस को देखिए। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।